प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विवादों का हो शांतिपूर्ण समाधान, संप्रभुता की रक्षा के लिए हम तैयार। भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने उमड़ा श्रद्धालुओं का सहवाल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव कराने का मतलब हिंसा का लाइसेंस नहीं है। नीलकंडी ने आईआईटी बॉम्बे को दिए 315 करोड़ रुपए दान। साजिद को वैश्विक आतंकी घोषित करने पर चीन का अड़ंगा। 24 जनवरी से गर्भगृह में होंगे रामलला के भव्य दर्शन। अब खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की यात्रा करते हुए इस दौरान उन्होंने फिर से संदेश दिया कि संबंधों को सामान्य बनाने के लिए सीमा पर शांति जरूरी है। पीएम ने अमेरिका की यात्रा रवाना होने से पहले स्ट्रीट जर्नल अखबार को दिए इंटरव्यू में क्षेत्रीय अखंडता, कानून शासन व संप्रभुता का सम्मान हमारी बुनियादी मान्यता है। भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने उमड़ा श्रद्धालुओं का सहवाल। पूरी उड़ीसा के भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव में पूरी की सड़कों पर श्रद्धालुओं की सैलाब उमड़ रहा है। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बल्लभद्र और बहन सुभद्रा 45 फुट ऊंचे 3 रथों पर सवार होकर गुड़िचा मंदिर रवाना हुए हैं, तो भक्तों को रथ खींचने की होड़ मच गई है। 3.5 किमी लंबे रथ यात्रा मार्ग पर लाखों श्रद्धालुओं का भगवान रथ यात्रा निकाला गया है। चुनाव कराने का मतलब हिंसा कराना या हिंसा का लाइसेंस देना नहीं है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में हिंसा को लेकर शीर्ष अदालत ने तख्त पटल पर टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव कराना मतलब हिंसा को लाइसेंस देना नहीं है। नीलकंडी ने आईआईटी बॉम्बे को दिए 315 करोड़ रुपए दान। इंफोसिस के सह संस्थापक और चेयरमैन नंदन नीलकंडी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे को 315 करोड़ रुपए दान दिए हैं। साजिद को वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए चीन का अड़ंगा फंसा हुआ है। चीन ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर ए ताइवा के साजिद मीर को वैश्विक आतंकी नामित करने के लिए भारत और अमेरिका के प्रस्ताव को मंगलवार को रोक दिया है। साजिद मीर मुंबई में हुए आतंकी हमले में वांछित रहे हैं। भगवान रामलला के भव्य दर्शन के लिए 24 जनवरी से भव्य गृह में होंगे रामलला के दर्शन। श्री राम जन्मभूमि परिसर में निर्माणाधीन राम मंदिर अगले वर्ष जनवरी में खुल जाएगा। 24 जनवरी को भक्तों को भव्य गर्भगृह के दर्शन हो सकेंगे। इसी तरह से देश विदेश की खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए NMC न्यूज़ के साथ।